हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अपने धुन पर कई फिल्मी स्टार्स को नचाने वाले म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान अब हमारे बीच नहीं रहे। 42 साल की उम्र में ही वो दुनिया को अलविदा कह गए और खबरों के माने तो वाजिद को मुंबई के चेंबूर स्थित अस्पताल में किडनी की गंभीर समस्या के चलते एडमिट किया गया था। लेकिन रविवार शाम को उनकी हालत बिगड़ गई और तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। वाजिद खान के निधन से पूरा का पूरा बॉलीवुड सदमे में है और उनके करीबियों ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने वाजिद खान के निधन पर शोक जताया है और बकायदा ट्वीट कर लिखा, दुखद समाचार। एक बात तो मुझे हमेशा याद रहेगी कि वो है वाजिद भाई की हंसी। हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बहुत जल्द चले गए। उनके परिवार और शोक व्यक्त करने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। आपकी आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त। तो वही वाजिद खान के निधन पर शोक जताते हुए अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया और कहा, वाजिद खान के असामयिक निधन के बारे में सुनकर हैरान और दुखी हूँ। प्रतिभाशाली और हमेशा मुस्कुराते थे, बहुत जल्दी चले गए। इस मुश्किल घड़ी में भगवान उनके परिवार को शक्ति दे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी शोक प्रकट करते हुए लिखा, वाजिद खान के निधन से हैरान हूँ। एक उज्जवल मुस्कुराती प्रतिभा गुजर गई, उनके लिए प्रार्थना और संवेदनाएं। वहीं वरुण धवन ने भी वाजिद खान के निधन पर ट्वीट किया, वाजिद खान भाई मेरे और मेरे परिवार के बेहद करीबी थे। वो आसपास रहने वाले सबसे सकारात्मक लोगों में से एक थे। हम आपको याद करेंगे वाजिद भाई, संगीत के लिए शुक्रिया। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया, वाजिद भाई आप सबसे अच्छे इंसान थे। हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा गाते रहते थे। उनके साथ हर संगीत सत्र यादगार रहा। आप सच में बहुत याद किए जाएंगे वाजिद भाई। तो इन स्टार्स के अलावा बॉलीवुड के अन्य सितारों ने भी वाजिद खान के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि किडनी के इलाज के दौरान वाजिद खान का टेस्ट किया गया था तो उनकी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि वाजिद खान की मौत हार्ट अटैक की वजह से भी हुई है। और बता दें कि बॉलीवुड सिंगर और संगीतकार सलीम मर्चेंट ने वाजिद खान के निधन की दुखद खबर सोशल मीडिया के जरिए दी थी। वाजिद खान ने सलमान खान के लिए सबसे ज्यादा गाने बनाए थे जो कि काफी सुपरहिट रहे थे।